फाइनल मुकाबला किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि गहली कबड्डी टूर्नामेंट में दोनों यूपी योद्धा की टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। टॉस जीता है यूपी योद्धा ने और बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों इधर है बीके एकेडमी मेरठ और इधर आदमपुर लीला एकेडमी। दोस्तों बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, जबरदस्त मुकाबला। मुकाबला स्टार्ट दोस्तों, पहली रेड लारा जो कि आदमपुर की तरफ से बेहतरीन खिलाड़ी लारा और कमाल का ये खिलाड़ी। दोनों तरफ प्रो कबड्डी स्टार यूपी योद्धा के आमने सामने, एक तरफ दुर्गेश अनिल तो दूसरी तरफ सुमित और भाई अब सुरेंद्र। ये फाइनल मैच है दर्शक साथियों, दोनों ही टीमों में जो खिलाड़ी हैं उनको सबके सब खिलाड़ियों को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, प्रो कबड्डी का जब नेक्स्ट सीजन होगा दोनों ही टीमें बड़ी बेहतरीन हैं। एक तरफ टीम है मेरठ अकेडमी तो दूसरी तरफ टीम है लीला अकेडमी और ये है साथियों सुमित सांगवा गांव आदमपुर राठी जिला सरखीदा। सामने से आए बेहतरीन टैकल देखने को मिला सुरेंद्र के, कमाल का खिलाड़ी। और भाई अब रेड साथियों 11 नंबर जर्सी का खिलाड़ी सुरेंद्र गिल तो दूसरी तरफ यूपी योद्धा का बेहतरीन रेडर है। आपने प्रो कबड्डी में टेलीविजन स्क्रीन पर इस खिलाड़ी को देखा होगा और बेहतरीन टो टच दुर्गेश नेता, बेहतरीन खिलाड़ी है दुर्गेश। और भाई अब रेड पर साथियों 15 नंबर जर्सी का खिलाड़ी दुर्गेश। और भाई दुर्गेश इस समय रेड करता हुआ साथियों, लेकिन भाई दुर्गेश ये टीम महम की नहीं है, लीला अकेडमी आदमपुर की टीम है साथियों। लीला अकेडमी आदमपुर, आदमपुर के खून में कबड्डी के बड़े बड़े स्टार हुए हैं, चाहे लीला कोच साहब की बात हो, चाहे धीरज कोच साहब की बात हो, विकास सांगवान जी की बात हो, सब सुपर स्टार खिलाड़ी हुए अपने समय के। और आज मुकाबला है तो कबड्डी के बड़े सुपर स्टार खिलाड़ी हुए, चाहे महिला वर्ग की बात हो चाहे पुरुष वर्ग की बात हो, दोनों में लंबी रिस्ट खोली और राइट कॉर्नर को निशाना बनाया है, बेहतरीन टच पॉइंट। हाँ जी प्रियंका धोड़े भी आदमपुर की है, रितु जो रेलवे में है वो भी आदमपुर से है, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में आदमपुर ने दिए हैं। और अब रेड पर साथियों मकरौली गांव का बेटा, और भाई मकरौली ने भी बहुत से खिलाड़ी मकरौली बेहतरीन गांव है इस तरह के दिए हैं। टाइम आउट लिया है, टाइम आउट लिया ने मेरठ अकेडमी की तरफ से रेड, मेरठ अकेडमी की तरफ से रेड। बहादुर बैकहोल्ड सुमित सांगवान जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो काम बखूबी कर रहे हैं इस समय। और अब टीम के डिफेंस में सुरेंद्र गिल गेंद पर, 11 नंबर जर्सी सुरेंद्र गिल गांव खरेटी जिला रोहतक, सुपर टैकल ऑन, 3 खिलाड़ी कोर्ट में, क्या बेहतरीन बचाव है। और भाई एक और पॉइंट नहीं दिखा सकते हैं आपको, कर पीट दिखाएंगे तो धराशाही किए जाएंगे और वही काम किया सब हमने पीट दिखाई और काम तमाम किया। सुरेंद्र बोनस का प्रयास, युवा खिलाड़ी है और बोनस मिलता हुआ और अब दो के डिफेंस में सुरेंद्र गिल। और भाई सभी उन साथियों का धन्यवाद जो सुबह से अपना आशीर्वाद अपना प्यार अपना प्रेम इन बच्चों पर बरसाए हुए हैं, सभी उन यूट्यूब के साथियों का धन्यवाद जो सोशल मीडिया के माध्यम से इन बच्चों को लाइव दिखाने का कार्य कर रहे थे। ये है साथी सुरेंद्र गिल, आज कबड्डी 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 प्रयास बेहतरीन कामयाब रहा सुरेंद्र गिल, चौकंदे खिलाड़ी लंबी कद काठी, एक पॉइंट और मिलता है, लास्ट खिलाड़ी बचे हुए हैं, क्या सब हम ये ऑल आउट को टाल पाएंगे। बेहतरीन खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, लेकिन सामने टीम बोनस का प्रयास, बोनस ऑन किया
ऊपर कर दिया बोनस। ऑल आउट मिलता हुआ एक तरीकी जिला अकेडमी ने आदमपुर की टीम ने हासिल की है। स्कोर बताना जी सुनील कौर साहब है। लारा एक बार फिर एक्शन में जर्सी नंबर 3 के साथ 10-3 का स्कोर है। 10-3 स्कोर अब साथियों रेड पर इस टूर्नामेंट में अगर बात की जाए तो कुछ मुकाबलों को छोड़ दिया जाए तो बहुत कुछ देखने को मिला। इस खिलाड़ी का नाम सुमार है, बड़ा अच्छा रेडर है। फिर साथियों दुर्गेश इस समय रेड पर भाई कौन सुमित का था तो एंकल होल्ड सुरेंद्र के लिए लंबी कद काठी बेहतरीन खिलाड़ी और गेम भी बखूबी दिखाया है इस समय। क्या बेहतरीन टैकल जबरदस्त सामने से आए सिंगल थाई होल्ड बेहतरीन टैकल देखने को मिला। सुमित क्या बेहतरीन शुभम ने बेहतरीन स्पीड के साथ शुभम ने बाहर किया है और भाई इस बार अकेडमी आदमपुर की टीम आगे चलती हुई और मेरठ अकेडमी की टीम इस मैच में पीछे चलती हुई और रेड पर भाई बंटी और भूचा गांव मगरौली जिला रोहतक। दुर्गेश को शांत रखा है और दुर्गेश को शांत रखने का मतलब है आप गेम को अपने पक्ष में रख सकते हैं और वही काम किया यहां पर आदमपुर की टीम ने। और भाई दुर्गेश इस समय लेकिन दुर्गेश को बहुत देर तक शांत नहीं रख सकते हैं आप। मेरठ अकेडमी की टीम को दुर्गेश को बहुत समय तक शांत रखने का मतलब है कि आप मुकाबले में एक तरफा बढ़त बनाए जाएंगे लेकिन दुर्गेश को शांत रखना कड़ी चुनौती है आदमपुर के लिए। बंटी आदमपुर की तरफ से जर्सी नंबर 8 के साथ बेहतरीन खिलाड़ी स्टार खिलाड़ी कबड्डी का एक और बेहतरीन जंप बहुत ही अच्छा पॉइंट अर्जित किया है। हितेश ने जो काम सेमीफाइनल में दिखाया था वो काम इस समय नहीं देखने को मिला है। और वही गलती हुई साथियों बिल्कुल 4 खिलाड़ी इस समय कोर्ट में है आदमपुर के। एक ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई आदमपुर की टीम धीरे धीरे एक खिलाड़ी बाहर जाता हुआ लेकिन सुरेंद्र के क्या बेहतरीन टैकल देखने को मिला है। कमाल का हर्ष ने एंकल पर हाथ डाला और सपोर्ट आया शुभम और अब दो खिलाड़ियों को डिफेंस में दुर्गेश इस समय कमाल का टैकल। दुर्गेश बंटी क्या बेहतरीन चंपा कमाल की रेड वाह दोस्तों क्या बेहतरीन रेड है दुर्गेश कमाल की रेड। और मैं एक बार स्कोर बता दे साहब ऑल आउट मिलता हूं वापसी करती हुई। मैंने बोला था दुर्गेश को शांत करने का मतलब है आप मुकाबला बने रहेंगे लेकिन दुर्गेश चले तो मुकाबला धीरे धीरे आपकी तरफ से निकल जाएगा। टच का दावा और दोनों टीमों का स्कोर 13-13 ताली बजाओ भाई फाइनल मैच जैसा मैच है बिल्कुल। और अब रेड पर दुर्गेश ने बिल्कुल वापसी कराई है। एक समय ना लग रहा था कि मेरठ अकेडमी की टीम पिछड़ जाएगी
लेकिन साथियों दुर्गेश ने अपने खेल को दिखाया। बेहतरीन स्कोर, भाई बराबर स्कोर है इस समय और बोनस फिर पक्ष में सुरेंद्र गिल, बेहतरीन खिलाड़ी, लंबी कद काटी, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है साथियों। कबड्डी में आपने इस खिलाड़ी का गेम देखा होगा, बड़ा बेहतरीन रेडर। दुर्गेश ने वापसी कराई है टीम की, बेहतरीन, बिल्कुल पक्ष में इस समय दुर्गेश एक पॉइंट के यूपी योद्धा का बीके एकेडमी के ये खिलाड़ी है, प्रो कबड्डी में अपनी प्रतिभा दिखा चुका है। और भाई फिर रेड पर चला साथियों, आठ नंबर जर्सी का खिलाड़ी बंटी, बंटी खिलाड़ी एक अच्छा रेडर है नेशनल कबड्डी का, गांव मकरौली जिला रोहतक। बिल्कुल टच का दावा साथियों, हितेश ने स्वीकार किया कि आपने मेरे को टच किया है, पॉइंट मिला लीला राम अकेडमी को। लीला राम एकेडमी की बात करें या बीके एकेडमी की बात करें तो दोनों बेहतरीन एकेडमी है, एक हरियाणा की और तो दूसरी उत्तर प्रदेश की, दोनों बेहतरीन एकेडमी और दोनों एकेडमी के खिलाड़ी प्रो कबड्डी में सबसे ज्यादा। एक और बेहतरीन कैच देखने को मिली, शानदार टैकल देखने को मिला और प्रो कबड्डी में भी अपनी प्रतिभा दिखा चुका है। और बात लीजिए साथियों, बिल्कुल बंटी को भी कैच लग चुकी है, सारे खिलाड़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं, दोनों टीमें बिल्कुल एक तरफा मुकाबला जो देखने को मिले थे अभी तक, और शुरू में यह मुकाबला लगा था एक तरफा देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा अंतर था लेकिन दुर्गेश ने उस खाई को पाट दिया और इस समय रेड में और पांच के डिफेंस में सुरेंद्र गिल इस समय रेड पर, बेहतरीन खिलाड़ी, एक अच्छी हाइट का खिलाड़ी है साथियों और प्रो कबड्डी के जरिए अपनी प्रतिभा दिखा चुका है, कबड्डी की बहुत ही अच्छा खिलाड़ी, संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। मध्यांतर का समय करीब इस मुकाबले में और स्कोर बिल्कुल बराबर के आसपास, एक और बेहतरीन जब, एक और बेहतरीन मल्टी पॉइंटर, कमाल का एक खिलाड़ी बेहतरीन जंप के साथ, बेहतरीन लगातार दो लगातार स्कोर किया है इस खिलाड़ी ने, दो रेड ऐसी की है जंप और बेहतरीन अच्छा स्कोर किया है और दुर्गेश बेस्ट रेडर की होड़ में इस टूर्नामेंट में। सुरेंद्र गिल की बात करें या दुर्गेश की बात करें तो बेस्ट रेडर इन दोनों में से ही कोई ना कोई होगा, बेहतरीन खिलाड़ी दोनों, एक बार फिर से बम को निशाना बनाया सुरेंद्र गिल ने और दोनों यूपी योद्धा के बेस्ट रेडर भी हैं, दोनों स्टार रेडर हैं यूपी योद्धा के और इस समय रेड में पर दुर्गेश पवार और भैया पांच के डिफेंस में फिर एक बार दुर्गेश इस समय रेड पर छलांग लगाई है, क्या सेव दिया जाएगा, क्या सेव दिया जाएगा, बिल्कुल चंप जरूर लगाई थी, मिड लाइन पर पहुंचे थे लेकिन जर्सी पुलिंग क्रॉस नहीं कर पाए खिलाड़ी, एक समय लगा था कि और अब पांच के डिफेंस में सुरेंद्र गिल, एक समय लग रहा था कि रेड रखे सुरेंद्र गिल इस समय रेड पर कुछ सेव दिया जाएगा लेकिन नहीं, बेहतरीन टैकल देखने को मिला
गुरु बोलता रह करो, बोलता रह करो। एक और एक्ट गाइड दोस्तों, मध्यांतर का समय करीब है बिल्कुल, और जिस तरह का मुकाबला देखने को दर्शक उत्साहित थे, बिल्कुल ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला है। ये फाइनल का मुकाबला बोनस का प्रयास और बोनस मिलता हुआ मध्यांतर, मध्यांतर के समय अगर स्कोर की बात करें और 18-17 स्कोर, एक पॉइंट के लिए किसान यूपी मेरठ लीड में। और भाई एक बार मार्किंग कर दे तो सेकंड हाफ का मुकाबला स्टार्ट, 17-18 स्कोर एक पॉइंट के लिए। और स्कोर बराबर दोनों टीम पर, सुरेंद्र गिल 18-18 के स्कोर पर, सुरेंद्र गिल स्कोर 18-18 बराबर। चार खिलाड़ी कोर्ट में, थोड़ी हंसी मजाक के अंदाज में दोनों टीमों का स्कोर बिल्कुल 18-18 हो चुका है भाई। और सभी उन साथियों का धन्यवाद जो सुबह से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। बंटी और अब चार के डिफेंस में बाहर है और मजबूती है टीम भूसा आदमपुर के पास। हरियाणा प्रदेश के अच्छे रेडरों में नाम है इस खिलाड़ी का, गांव मंगरौली जिला रोहतक। हर्षो ढाका बेहतरीन आइकन होल्ड करते हैं, टाइम जरूर लगाई थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 19-18 स्कोर, एक पॉइंट की लीड जरूर है इस समय आदमपुर के पास, लेकिन बीके एकेडमी जिस तरह का गेम दिखा रही है वापसी करने में माहिर, लेकिन ऑल आउट का खतरा मंड रहा था वह टीम पर। तीन खिलाड़ी कोर्ट में हैं, अगर यहां से वापसी नहीं की कम से कम एक सुपर टैकल आपको गेम में वापसी करा सकता है। ये रेड निर्णय करेगी कि किसके पक्ष में जाएगा मुकाबला, अगर यहां पकड़ होती है तो दो खिलाड़ी बचेंगे उसके बाद। बेहतरीन प्रयास, बिल्कुल समय लग रहा था हाथ निकल जाएगा, लेकिन डिफेंस ने सपोर्ट दिया और बेहतरीन टैकल देखने को मिला दोस्तों। और डिफेंस में सुरेंद्र गिल, सुरेंद्र गिल दोनों मैन डिफेंडर कोर्ट के अंदर इस समय। बेहतरीन रेड, चार पॉइंट की रेड करती है, समय लग रहा था कि टैकल देखने को मिलेगा और बिल्कुल लगूंगा सामने से मुक्त आई, लेकिन नहीं। दुर्गेश, दुर्गेश दो बार ऐसा हुआ है, दुर्गेश आउट हुए हैं और दोनों बार टीम ऑल आउट हुई है उसके बाद दुर्गेश उठे हैं। एक और बेहतरीन पॉइंट, बेहतरीन हर्षु का कमाल, बेहतरीन हर्ष ढाका ने टैकल होल्ड किया है सुरेंद्र गिल का और बेहतरीन टैकल देखने को मिला। बिल्कुल सुरेंद्र फार, दुर्गेश अंदर, तो मामला किसके पक्ष में जाएगा। 20-24 स्कोर, चार पॉइंट के लिए आदमपुर के पास, यानी कि वैली गांव की तरफ जो टीम है उसका स्कोर 24 और फुटबॉल ग्राउंड की तरफ जो टीम है उसका स्कोर 20।
सेल्फ आउट हुए 20-25 का स्कोर। इले खड़े हो जा वन टच पॉइंट एक और फाइनल मुकाबला है। बिल्कुल जिस तरह से दर्शकों को उम्मीद थी मुकाबला देखने की, वही मुकाबला देखने को मिला है दोनों तरफ से कमाल का। बंटी बुच्चा के नाम से मशहूर पूरे हरियाणा में ये खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी है और प्रदर्शन लाजवाब इस खिलाड़ी का। सामने से आए बेहतरीन डबल एंकल होल्ड किया, एक और बेहतरीन टैकल देखने को मिला। आदमपुर की टीम बेहतरीन टीम, स्टार सब सजी हुई टीम है। एक बार फिर एक्शन है, दुर्गेश जी जंप के लिए जाने जाते हैं, क्या बेहतरीन एक और टच पॉइंट सुमित को। संदीप सॉरी सुमित को टच करने में कामयाब रहा और अब रेड पर सुरेंद्र। 20 मिनट का मुकाबला समाप्त हुआ है अभी तक, 10 मिनट बाकी, किसके पक्ष में जाएगा मुकाबला, सभी की निगाह है। कौन बनेगा सरताज गहली कबड्डी टूर्नामेंट नारनौल का। टाइम आउट लिया है और एक टाइम आउट मिला अकेडमी आदमपुर। बोनस का प्रयास, क्या मिलेगा बोनस? एक तरफ से दुर्गेश तो दूसरी तरफ से सुरेंद्र गिल और दोनों स्टार खिलाड़ी। और भाई अपने भाई को भी सम्मानित किया जाएगा क्योंकि चुना लगाने में गांव गैली में सबसे एक्सपर्ट है, तो कमेटी ने अभी डिसीजन लिया कि भाई चुना लगाए, दोनों तरफ से खिलाड़ी कामयाब हो रहे हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता, ना सुरेंद्र सुरेंद्र गिल इस समय रेड पर, ना दुर्गेश। और भाई बात करें 12 नंबर जर्सी खिलाड़ी दुर्गेश की, बात करें 12 नंबर जर्सी खिलाड़ी हितेश की, सुमित सागवान की, 11 नंबर कमाल का टैकल, सभी बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी है ऑल आउट की तरफ बढ़ती हुई टीम दुर्गेश इस समय रेड पर। और तीन के डिफेंस में और दो के डिफेंस में बहुत घातक साबित होते हैं दुर्गेश, तीन खिलाड़ियों के डिफेंस में सुपर रेड सुपर टैकल लगती है। मेरे अकेडमी की तो साथियों स्कोर में बिल्कुल विफल तो होगा, लेकिन सुपर टैकल यदि लगता है तो लीला अकेडमी की टीम एक मजबूत स्थिति में होगी। डोर डाई का इंतजार करेगी टीम क्योंकि जानती है सुपर टैकल की सिचुएशन है। तीन खिलाड़ियों का डिफेंस, तीन के तीन खिलाड़ी बड़े बेहतरीन है, चाहे अमर कुमार नागरा की बात हो, चाहे रवि की बात हो, चाहे लारा की बात हो, किसी भी स्थिति में कैच पकड़ने में बड़े माहिर है, अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। डोर डाई रेड आएगी, दुर्गेश आएंगे, लारा जल्दी जाएंगे और रेड करके आएंगे। और
और दुर्गेश अक्सर तीन या दो के डिफेंस में घातक साबित होते हैं, क्या वो देखने को मिलेगा यहाँ पर। तीन का डिफेंस सुपर टैकल ऑन, तीन खिलाड़ी कोर्ट में, तीन से कम खिलाड़ी कोर्ट, तीन या तीन से कम खिलाड़ी हो तो सुपर टैकल की सिचुएशन होती है। सुपर टैकल, दुर्गेश सेल्फ आउट हुए थे बिल्कुल, रीस्ट खोली थी, कॉर्नर को निशाना बनाने का प्रयास था। उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में बड़ा अच्छा प्रेम है गैली गांव के प्रति उनके मन में, क्योंकि पहले भी वो टूर्नामेंट में पहुंचे, इस बार फिर पहुंचे और आगे भी आश्वासन दे रहे हैं कि आगे भी जब भी गैली लास्ट पांच ओवर का समय होगी तो यूपी योद्धा की टीम पूरे दलबल के साथ यहाँ पहुंचेगी। हितेश का एक और बेहतरीन टैकल और वही एक और पॉइंटर जीत, फिर सुपर टैकल ऑन, तीन खिलाड़ी फिर कोर्ट में, स्थिति में फिर दुर्गेश और वही इस बार कामयाब खिलाड़ी चाहे अमन कुमार नागरा की बात हो, रवि की बात हो, लारा की बात हो, आप लीजिए भाई बिल्कुल कबड्डी सभी बिचारी है, क्या बेहतरीन ये प्रयास, देखना होगा कि हाथ की आर्मिड लाइन को क्रॉस किया है ऑफिशियल। सुपर टैकल, बहुत मेहनत की थी दुर्गेश ने भाई, कमाल का ये जुनून, कमाल का ये जोश। दोस्तों रिव्यू लिया गया था और रिव्यू में खारिज कर दिया गया, सेंटर लाइन तक हाथ जरूर पहुंचा था लेकिन क्रॉस नहीं हुआ। एक बार स्कोर बताना भाई, 32-31, 25-31, 25 पॉइंट मेरठ और 31 पॉइंट आदमपुर, 25-31 स्कोर है, 6 पॉइंट की लीड और आखिरी 5 मिनट से दुर्गेश 4 मिनट से आखिरी 4 मिनट है, एक रेड में इस खाई को पाट सकते हैं लेकिन इस समय बाहर है, दो अढ़ाई का इंतजार भाई। दोनों ही टीमों में साथ में खिलाड़ी हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं हमें दोनों कोच साहब का और इन टीम का, अक्सर फाइनल मैच होते नहीं है कहीं भी फाइनल मुकाबला, लेकिन यहाँ बिल्कुल दिखाया है इन खिलाड़ियों ने, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल खेल के प्रति ईमानदारी दिखाई है। समय शेष अंतिम क्षण में पहुंचता हुआ मुकाबला, लीड 6 पॉइंट की जरूर है लेकिन मौका है एक ऑल आउट देने का, यहां अगर पकड़ होती है। हितेश सामने से आए, बिल्कुल समाप्त हो चुका है, चलते हुए निकलते हुए दोनों ही टीमें बिल्कुल। दोस्तों अंतिम क्षण मुकाबला पक्ष में जाता हुआ आदमपुर के और मुकाबला बहुत बढ़िया मुकाबला देखने को मिला दोस्तों, सर ऐसा देखने को मिल रहा है दुर्गेश। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।